कोरोना महामारी की रोकथाम में लगे प्राथमिक विद्यालय जुनायल के शिक्षक रमेश चंद्र जोशी का निधन हो गया है। कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरफाण ने जिला प्रशासन से मुलाकात करते हुए कहा कि शिक्षक के निधन के पश्चात परिवार के समक्ष रोजी रोटी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। परिवार में वृद्ध माता, पत्नी तथा दो बच्चे हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वायदा किया था कि कोरोना महामारी की रोकथाम में ड्यूटी दे रहे कार्मिकों के असामयिक निधन पर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। सरकार के वादे के अनुसार रमेश चंद्र जोशी के परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस आशय का एक ज्ञापन भी अपर जिलाधिकारी को सौंपा गया है। अपर जिलाधिकारी महोदय को हमने कोरोना वैश्विक महामारी में रमेश चंद्र जोशी जुनाइल के थे, वो उनकी मृत्यु हो गई थी, शिक्षक थे, और जो कोरोना वायरस घोषित किया गया, हमने उसी के संबंध में अपर जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया कि भाई जितने भी ड्यूज हो सकते हैं सरकार के द्वारा, जो सरकार ने कहा है कि हम लोग मृत्यु के समय इन कर्मचारियों को ये अनुमन्य सुविधाएं देंगे, ये अनुमन्य लाभ देंगे, उसी के संबंध में उनके पुत्र के साथ और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जी के साथ हम सब लोग वहाँ पर गए थे, और अपर जिलाधिकारी महोदय ने हमको आश्वस्त किया है कि जितने भी मामले हैं उनको हम लोग शासन को संदर्भित कर रहे हैं, और जो भी शासन के द्वारा गाइडलाइन आएगी उसके बाद हम आपको अवगत करा देंगे। और हम सबको विश्वास है कि सरकार ने जो बातें मंचों के माध्यम से, शासनादेशों के माध्यम से कही है, उसमें निश्चित तौर पर अमल करेगी, और हम सबको लगेगा कि हम एक अच्छे अपने कर्मचारी को उन सब चीज़ों का लाभ दिला रहे हैं जिन चीज़ों का लाभ की बात सरकार के द्वारा की जा रही है। सीसीएन न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।